फिरोजाबाद के कबीरपुरा थाना बसई मोहम्मदपुरा के निवासी को आज उसी के ही ग्राम के कुछ लोगों ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। उसका कहना है कि वो घर में अपने पौधों में पानी डाल रहा था, तभी उनके बच्चों ने उन्हें आवाज लगाई, जिसके बाद वो बाहर आए तो शराब के नशे में धुत इन लोगों के पास कई हथियार थे, जिसके बाद उस पर चाकू से वार कर दिया गया। फिलहाल इस पर हुए वार की वजह सामने नहीं आई है, पुलिस तफ्तीश के बाद ये पता चलेगा कि आखिर पूरा मामला है क्या। फिरोजाबाद से सौराज सिंह, SKH न्यूज। सुरेश कहाँ के रहने वाले हो? कबीरपुरा। थाना कौन सा पड़ता है? थाना बसई मोहम्मदपुरा। क्या मामला हुआ था ये पूरा बताओ। पूरा भाव लगा रो खेत पानी तो कचपी खाया आए होंगे भैया, सो घर आए के हमारे बने बैठे जाएंगे, हमारे बच्चे निट्टे रहे, फिर के पापा चलो जल्दी हम आए तो हम लाठी घुसा देते, हमारे घरवाई बिबलाज बिलाज बाहर पीटते। जानते हो उनको? पहचानते हो? हाँ हाँ। कौन कौन लोग थे? एक विनोद हो, खुशाली हो, एक लूलू हो। ये गांव के ही लोग हैं? गांव के ही है। कोई पुरानी एजेंसी थी क्या? पुरानी एजेंसी का छो ना पुराने। तो फिर क्यों मारा चाकू? बाप क्या मारा है तुम्हें? क्या मारा ये? चाकू है। सब लोगों पर चाकू थे? अगर हथियार भी थे क्या? हाँ ये बंदूक है। अच्छा, क्या लोग थे? तीन चार लोग है। अच्छा, तो आप पानी लगा रहे थे तो क्यों मारा आपने? हमारे बच्चे ने टेरे वहाँ तो मारा क्यों? नहीं ये तो पे ये पे नशा पे ठीक है वहाँ पे।